जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को दी विनम्र श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल जी के अविस्मरणीय योगदान को सबने किया याद। शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। शहीद एएसआई देवचंद नागले के परिजनों से मिले सांसद कमलनाथ। शोक संतप्त परिजनों को बंधाया ढांढस। और सकल जैन समाज ने मनाया 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव। अर्पित किया निर्वाण लाडू। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और दिन भर की तमाम खबरों के लिए मैं संस्कृति जैन। शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे। सोलह अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन की खबर मिलते ही जिले के सांसद कमलनाथ ने अपनी पूर्व निर्धारित सभी जनसभाएं रद्द कर दी थी। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी से वे सीधे जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे, जहां शोक सभा का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि आप शोकसभा का प्रस्ताव को रखने की कृपा करें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के दुखद निधन पर द्वारा कांग्रेस कमेटी शोक व्यक्त करती है। अटल जी किसी एक दल से जोड़ना उचित नहीं होगा। वे सर्वमान्य नेता थे, उनमें सभी के साथ देकर चलने की खूबी थी। सभी उनका सम्मान करते थे। विनर सहज बेविका स्पष्टता सरल स्वभाव के कारण उनका देश भर में काफ़ी प्रशंसक थे। उन्होंने खुद भी जीवन व्रत राजधर्म का पालन किया और बाकी को भी सदैव राजधर्म को पालन की सीख दी। गलत निर्णय पर वे अपने से भी लड़ जाते थे। हम देवता आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ओम जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति निरूपित करते हुए स्वर्गीय श्री अटल जी से जुड़े अपने अनुभव का जिक्र किया और बताया कि उन्हें अपने जीवन में श्री अटल जी का मार्गदर्शन ही नहीं बल्कि स्नेह भी प्राप्त हुआ। ये मेरे बहुत पुराने संबंध थे और मुझे याद है कि जब पृथ्वी सम्मेलन में मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया था और मैं वापस लौटा, उस समय अटल जी प्रतिपक्ष के नेता थे। जब मैं संसद में बैठा था, अटल जी घुसे, उनके बोलने की बारी नहीं थी, पर वो खड़े हो गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ को बधाई देना चाहता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व पृथ्वी सम्मेलन में किया है। ये लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में वीडियो में भी है, आपके पास होगा। ये उनका व्यक्तित्व था, किस प्रकार के वे खुले मन के खुले दिल के व्यक्ति थे। मुझे याद है जब मैं पर्यावरण मंत्री था, एक दिन उनका फ़ोन आया मुझे कि मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैं कब आ जाऊँ। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आ जाऊँगा आपके पास, आपका ये बात कहनी भी शोभा नहीं देती।
तो मुझे पता नहीं था कि वो किस बात, कौन सी बात ऐसी मेरे से करना चाहते हैं। मैं उनको मिलने गया और उन्होंने गहरा दुख बताया मुझे कि ताजमहल में कैसे प्रदूषण से आज खतरे में है। तो मैंने उनके सुझाव मांगे, उन्होंने सुझाव बना के रखे थे, और मुझे ऐसे सुझाव दिए जिसका मैंने पालन किया और हम ताजमहल को प्रदूषण से बचा पाए। उन्होंने मुझे कहा कि जितने भी उद्योग हैं आसपास ताज के जो बहुत फैले हुए थे, तरह तरह के उद्योग फैले हुए थे, उन्हें कहा वो उद्योग जो कोई इसमें डिवाइस लगा सकते हैं प्रदूषण रोकने का, उनको तो रहन दिया जाए, बाकी जो नहीं लगा सकते, जहाँ संभव नहीं है, उनको वहाँ से हटा देना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा कि इसमें तो बहुत विवाद होगा हटाने में, तो अटल जी ने अपने घर पर एक और मीटिंग बुलाई। किसकी मीटिंग बुलाई? जिनको हटाना था उनको सहमत किया, उनको सहमत करवाया और उस पर तब कार्रवाई शुरू हुई। तो ये थी उनकी सोच उस समय जब मैं प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो मेरे बहुत पुराने समय संबंध थे। समय समय पर मैं, जब वो प्रधानमंत्री भी थे, वो मुझे मिलते रहते थे, मैं उनके पास जाया करता था। और वो छिंदवाड़ा आए थे चुनाव में, आप लोगों को उस समय की बात नहीं पता होगी, आप उनका संबोधन किसी भी रिकॉर्डिंग में होगा, उनका संबोधन कोई घटिया नहीं था। उन्होंने अपनी बात कही, किसी की आलोचना नहीं करी, अपनी बात कही, वो उनका व्यक्तित्व था। और मैं ने केवल उनका मार्गदर्शन ही प्राप्त नहीं किया, मैंने उनका स्नेह भी हमेशा प्राप्त किया। तो आज अभी हमने बैठक करी है, शोक सभा करी है और एक प्रस्ताव पास किया है। राजनीति में कभी उत्तेजित नहीं होते थे, ये मैंने उनसे सबक सीखा। कभी वे इस प्रकार के आक्रामक नहीं होते थे, व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्रामक नहीं होते थे, वो नीतियों पर आक्रामक होते थे पर व्यक्तिगत किसी पर आक्रामक नहीं होते थे। उनके जितने भी भाषण आप सुनेंगे, इंदिरा जी से उनका मुकाबला होता था जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, वो इंदिरा जी पर व्यक्तिगत रूप से आक्रामक नहीं होते थे, वो आक्रामक होते थे उनकी नीतियों पर, उसके क्रियान्वयन पर, इन चीज़ों पर वो आक्रामक होते थे और सुझाव देते थे, ये उनकी खूबी थी। पर हमने स्थगित करी, अटल जी के नारायण स्थगित करी। हमने कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी एक प्रस्ताव पास किया, शोक प्रस्ताव पास किया है। हमने फिर से मीटिंग बुलाएंगे, पर इतनी देर में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, हमने सबसे कहा आप जाके मिल लीजिए, हमें उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी तक लगभग सब टिकट हम तय कर लेंगे। जो मैंने कहा है मैंने रिकॉर्ड पर कहा है, मैंने कोई गुप्त नहीं कहा। और मैं उन व्यक्तियों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो गंगा तिवारी करेंगे। हाँ, मैं मुख्यमंत्री की कोई बात होए मैं टिप्पणी करने को तैयार हूँ, पर ऐसे व्यक्ति जो जिसकी गंगा तिवारी या तुम भी उसकी टिप्पणी कर सकते हो, आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, ये अपनी राजनीतिक रणनीति बना रहे हैं, हम भी अपनी बना रहे हैं, आम जनता किसके साथ रहेगी ये 4 महीने में फैसला हो जाएगा। मुझे भी चुनावों का बहुत अनुभव है। अमीषा तो कह भी चुके हैं कि मेरा टारगेट छिंदवाड़ा जरूर होना चाहिए, मैं नहीं कहता वो गलत है, टारगेट तो वो बनाए जहाँ वो सोचते हैं कि हम सबसे कमजोर हैं। देखिए, जितना उत्साह है, जो आज शिवराज सिंह जी की आशीर्वाद यात्रा है, ये तो शासकीय यात्रा है। अधिकारियों को यहाँ भी छिंदवाड़ा में, मेरे पास तो कॉपी है, जो अधिकारियों को उन्होंने कहा कि ये 200 बस ले आना, आशा कार्यकर्ता को ले आना, ये तो सरकारी यात्रा है। और जब वो आएंगे यहाँ हेलीकॉप्टर से, वो हेलीकॉप्टर का खर्चा भी शासकीय खर्चा है, मैं आता हूँ हेलीकॉप्टर में, अपने खर्चे पर आता हूँ, अंतर ये है। और हमारी कोई शासकीय यात्रा नहीं है, ये जो आशीर्वाद लेने घूम रहे हैं, ये आशीर्वाद खरीदने घूम रहे हैं, शासकीय पैसा का उपयोग करके, शासकीय तंत्र का उपयोग करके इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आशीर्वाद को। जो जिनका शासन रहा 15 साल,
उनको आशीर्वाद गांव-गांव जाने की आवश्यकता क्या होनी चाहिए? अगर उनका अच्छा काम रहा तो जनता खुद आएगी उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो ये आज है, मैं तो जहाँ भी दौरा कर रहा हूँ, मैं कल बड़वानी में था, मैं धार में था, उसके पहले मैं चित्रकूट में था, कई कई ज़िलों में हूँ, परसों मैं नरसिंहपुर में हूँ, उसके बाद 20 तारीख को मैं देवास और हरदा में हूँ, उसके बाद मैं विंध्य में हूँ। तो आम जनता आ रही है, और मुझे तो पत्रकार कहते हैं, कल एक टीवी बड़े टॉप टीवी चैनल के जो हेड हैं वो भी अपना मेरे साथ आए थे, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, मुझे बता रहे थे, उन्होंने ट्वीट किया कि ये जो परिस्थितियाँ हैं बीजेपी के लिए अलार्मिंग है, मुझे दिखा रहे थे अपना ट्वीट, जिसके पास होगा तो निगरानी से मंगा लेना उनका ट्वीट, कहते अलार्मिंग है क्योंकि यहाँ तो आई हुई भीड़ है, उनकी तो लाई हुई भीड़ है। चर्चा करिए, किसान नेताओं से चर्चा करिए, मैंने शासकीय कर्मचारियों से चर्चा करिए, मैंने सामाजिक संगठन से चर्चा करिए, सबसे चर्चा करिए। इसलिए तो मैं भोपाल में इतने पिछले 2.5 महीने फंसा रहा, क्योंकि ये सब करना भी आवश्यक है। और मैं सोचता हूँ अगले महीने में हमारा घोषणा पत्र आ जाएगा, और इस घोषणा पत्र में हम मध्य प्रदेश के लिए एक नया नक्शा बनाएंगे। देश के महामनीषी, राष्ट्रभक्त, महान विचारक और राजधर्म के पुरोधा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर जिले के सांसद कमलनाथ शहीद एएसआई देवचंद्र नागले के निवास पहुंचे और शोक संवेदनाएं प्रकट की। दुख की घड़ी में ढांढस बंधाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं जिले के सांसद कमलनाथ ने परिजनों को हर संभव मदद के प्रति आश्वस्त किया। उनका वारंट किस चीज के लिए था? छिंदवाड़ा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को विनम्र स्मरणांजलि अर्पित करते हुए देश के लिए उनके योगदान को याद किया और कहा कि उनसा ना कोई था ना होगा। एक अजात शत्रु नेता को माननीय चंद्रमान जी, आप पर विशेष स्नेह रहा है, जितने बार भी अटल जी छिंदवाड़ा आए आप पर विशेष स्नेह रहा, आपको ज़्यादा मार्गदर्शन मिला है और निश्चित रूप से इस दुख की घड़ी में आप कुछ ज़्यादा ही भावुक होंगे। अटल जी वास्तव में अद्भुत नेता थे, 21वीं सदी में पता नहीं उनके जैसा कोई नेता होगा कि नहीं होगा, मगर इतने मैं तो बहुत संपर्क रहा, बड़ी कृपा रही, मैंने जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा 90, 91 का 96 का और उसके पहले भी अटल जी छिंदवाड़ा है, कभी उनके आप संपर्क नहीं मिलेंगे जुलेंगे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि हम अटल जी से मिल रहे कोई बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता, इतने सहज सरल विनम्र हसमुख और उनका बात कहने का ढंग बिल्कुल इतने सरल ढंग से वो बात कहते थे। और आज हम जो भारतीय जनता पार्टी आज बड़ बच्ची तरह देश के अंदर में खड़ी है उसके मूल में अटल जी हैं, पहले अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हुए और शून्य से शिखर तक भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ को पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान किया। और मैं ऐसा मानता हूं भारत के नवनिर्माण में जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा। आप देखिए देश के 5 लाख गांव को कनेक्टिविटी से अगर किसी प्रधानमंत्री ने जोड़ा उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी। शिक्षा की क्रांति अगर किसी ने देश के अंदर में किया तो सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा को संविधान में उन्होंने जोड़ा। और आज गांव-गांव में हमको जो टोले मंजरे तक स्कूल दिखाई दे रहे हैं, गरीब के बच्चे जो पढ़ते हुए दिख रहे हैं वो अटल जी की देन है। अटल जी ने उनका नारा था भय भूख न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार, और जो अंत्योदय अन्न योजना 2 रुपये किलो जो 1 रुपये किलो आज गेहूँ चावल और नमक मिल रहा है, ये अटल जी ने उस समय अपने देश के अंदर में इसको प्रारंभ किया था। नदी जोड़ो योजना, परम पोखरण से लेके वास्तव में देश के नवनिर्माण में अटल जी का बड़ा भारी योगदान है। आज भी अटल जी जो हैं, अटल जी के मार्गदर्शन पे मोदी जी काम कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे महापुरुष रहे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, उनके दर्शन को निरंतर आगे बढ़ाते हुए
और आज भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति वास्तव में व्यक्ति चला जाता है उसकी परछाई रह जाती है। तो जब तक ये देश रहेगा तब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके विचार उनकी नीतियाँ उनके सिद्धांत और उनका व्यवहार देश में सदैव रहेगा। और बड़ा अद्भुत साहित्य अटल जी ने लिखा है कविता के रूप में अन्य रूप में, मैं सभी लोगों से कहूँगा जरूर अटल जी को आप पढ़ें समझें। और उनका पहला लक्ष्य था कि देश मेरे लिए सर्वोपरि है, और उन्होंने जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष में रहते हुए भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं माना कि इस पार्टी और उस पार्टी का देश उनके लिए सर्वो रहा। आपको काफ़ी समय उनके साथ उनके मार्गदर्शन में रहने का मौका मिला, कोई संस्मरण ऐसा हो जो आपको ऐसा याद आता हो आज? हम दिल्ली जब एक बार बैठक बुलाई तो सभी मंत्रियों की अटल जी ने, तो उन्होंने कहा भाई हम राजनेता है, हम कोई अफसर नहीं, घायलों में हम ना घूमें, हमारे कार्यकर्ताओं से मिले, जनता से मिले, बातचीत करें, और कभी ऐसा नहीं कि हम कोई प्रतिद्वंदी, हम वैचारिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ होंगे पर व्यक्तिगत हम खिलाफ नहीं, और इसलिए बड़ा सहज और सरल संबंध एक दूसरे के बीच में होना चाहिए, ये मार्गदर्शन। फिलहाल खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। सौजन्य अजय पवार, राजसोनी और अनिल चौरिया। फिर स्वागत है आपका सिटी हलचल में, आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ALC चौक में शोक सभा का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा छिंदवाड़ा की तरफ से पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज भावभीनी पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई और पुष्पांजलि भी दी गई। महान मनीषी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर सुभाष टापू में शोक सभा का आयोजन कर अशासकीय शाला संघ ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
आज जैसा कि पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, राष्ट्र के राष्ट्रपुत्र भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो निधन हुआ, वह पुण्य क्षति इस देश के लिए। हर वर्ग ने अपने राष्ट्र राजनीति से ऊपर, धर्म संप्रदाय से ऊपर मानता है। देश के महान राजनेता, राष्ट्र कवि की जो क्षति हुई है, उनको परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, इस हेतु आशास की शाला संघ द्वारा और अन्य जनमानस द्वारा श्रद्धांजलि यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित। वार्ड क्रमांक 45 में शोक सभा का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। बोलिए भारत माता की जय। आपका व्यक्तित्व सूरज की भांति पूरे देश में आखिरी क्षण तक चमकता रहा। आपके नाम से सरकारें बनी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर जगह आपका स्थान एक सर्वोच्च स्थान रहा है। आप ऐसे हमारे प्रेरणादायी व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनकी कमी आज पूरे भारतवर्ष में, कल 16 अगस्त को आप हमारे इस देश से विदा लेके ईश्वर के श्री चरणों में आप समर्पित हो गए। इस देश को गरीब की एक पहचान आपका जो कार्यक्रम सुनहरा रहा, हम चीज से भयभीत नहीं हुए। आपकी हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके श्रद्धा अंजलि हेतु हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री जी, जो जिन्होंने भाजपा को एक स्थापित करें, भाजपा पार्टी भाजपा में भारतीय जनता पार्टी को स्थापना कर एक उन्हें संसद नमन करके श्रद्धांजलि अर्पित कर। यही एक उनका लक्ष्य था कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को हर घर तक पहुँचाना, अंतिम व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की हर योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके, उसी की कड़ी के अनुसार आज सब आप यहाँ तक मौजूद हुए। मैं आप सब का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत रत्न सर्वमान्य नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।
जागृति महिला मंडल के तत्वावधान में आज कुकड़ा जगत में आयोजित हरियाली महोत्सव में शामिल महिलाओं ने सावन के झूले झूलकर श्रावणी गीत गाए। जागृति महिला मंडल की ओर से हमने आज सावन संध्या का आयोजन किया, जिसमें हम सभी महिलाओं ने झूला झूले, सावन के गीत गाए, कुछ गेम भी खेले हम लोगों ने, और कुछ जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उन्होंने भी उस गेम का आनंद लिया। श्रावण शुक्ल सप्तमी के अवसर पर सकल जैन समाज ने जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण उत्सव मनाया। इस अवसर पर श्री पार्श्वनाथ जनालय में श्री पार्श्वनाथ विधान कर निर्वाण लाडू चढ़ाया गया। पार्श्वनाथ विधान के माध्यम से पार प्रभु के गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान
और मोक्ष कल्याणक महोत्सव बनाकर निर्वाण लाड़ू चढ़ाया गया। इस अवसर पर सकल जैन समाज की बालिका वृंदों ने सामूहिक उपवास कर दिन भर धार्मिक आयोजन किया। हम आप सबको पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उन्होंने जो मुक्ति का मार्ग बताया हम सब उसको ग्रहण करके भक्त से भगवान बने, यही पावन संदेश आज पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव पर हम सबको है। हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चले, यही भावना। धन्यवाद। जय जय। श्रावण मास के पुनीत अवसर पर दशहरा मैदान में विशेष पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री के सानिध्य में प्रारंभ इस धार्मिक आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा के साथ शिव पूजन अनुष्ठान किया गया है। स्थल पर 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग निर्मित किए जा रहे हैं। रात में हाथ लगा करके रखे भगवान को प्रतिष्ठित करें। ओम मनोज्योतिर्जुगताम देवा सही हमादयंताम प्रतिष्ठ सुप्रतिष्ठ वरदो भव। नमस्कार नमस्कारोमि। चलिए अब 4 बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर, पहले 3 बार दूबा से जल छोड़ना है, 4वीं बार में लोटे से जल छोड़ना। पशुता बालो मनी बाल स्मिनः श्वेता श्वेता चोरुणस्ते हृदय पशुपताये प्रामी। नव के पास पंचामृत इकट्ठा बना हुआ है। कुलीतम पयोद दीर्घम मधु शर्कराज समायुक्ता स्नानार्थम प्रतिगृह्यता पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम पंचामृत के बाद में शुद्ध जल चलाइए। ओम शुद्ध वालः शुद्ध वालो मणिवाल स्वाश्रयः श्वेतः श्वेता चोरण से रुद्राय पशुपतये कर्णाजाना अविरता रुद्रान भूरूपाः पार्जन्याः सुन्दोन कृष्णानं समर्पयामि। हरि ओम जुवासुवासः परिवीत आगात सौत्रयान् भवति जायमानाः जिसके पास जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ाएं, नहीं तो चावल के दाने चढ़ाइए। ओम यज्ञ हो पवित्रम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात्। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिले के सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को दी विनम्र श्रद्धांजलि। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल जी के अविस्मरणीय योगदान को सबने किया याद, शोक सभा कर दी गई श्रद्धांजलि। शहीद एएसआई देवचंद नागले के परिजनों से मिले सांसद कमलनाथ, शोक संतप्त परिजनों को बंधाया ढांढस। और सकल जैन समाज ने मनाया 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव, अर्पित किया निर्वाण लाडू। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।